पावत के लोहाघाट से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं। विनीता प्रदयाल जी, सुमन लता जी, किरण देख जी, रेखा देवी जी, निवर्तमान चेयरमैन गोविंद वर्मा जी, विजय वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय लक्ष्मण सिंह लंगड़िया जी, श्याम नारायण पांडे जी, शंकर दत्त पांडे जी, गोविंद सामंत जी, सुभाष गगोली जी, हमारे मंचा सिंह, सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मंडलों से आए हुए हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पंचायत के सदस्य, सभी ग्राम सभा के हमारे ग्राम प्रधानगण एवं पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, श्री ललित कुंवर जी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष एवं हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, जिन्होंने जनपद चंपावत में अनेक अनेक कामों को आज शुरू करवाने का प्रयास किया है, जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी, एसएसपी श्री अजय गणपति जी, पूरे प्रशासन की टीम और जनपद चंपावत की आज बहुत ही विशाल संख्या में चंपावत और लोहाघाट दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के और संपूर्ण जनपद से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारी मातृशक्ति, जिन्होंने आज बहुत अपार संख्या में यहाँ पर भाग लिया है, मैं आप सभी को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में और आप सबके बगल की विधानसभा चंपावत के विधायक के रूप में भी आप सबको मैं नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आकर आज यहाँ भाग लिया है। आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए आज बहुत ही ये प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि मुझे आज इस संगजो कार्यक्रम के माध्यम से सभी माताओं और बहनों का अपार इसने आशीर्वाद मिला है। मैं कल रात्रि का शाम से ही मैं जनपद चंपावत में हूं, रात्रि का विश्राम भी यही कि हमने इसी जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्र गुंदेश के गांव में किया था, और तब से लेकर अभी तक जिस प्रकार से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं, मैं कह सकता हूं कि आप सभी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उससे मुझे प्रदेश की जनता की और अधिक सेवा करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त हुई है। मैं आप सबका दिल से, आप सबने मेरा जितना स्वागत किया है, मैं भी आप सबका हृदय की गहराइयों से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे द्वारा चंपावत और लोहाघाट के संपूर्ण विकास के लिए लगभग 53 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और 108 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद हम जो आदर्श चंपावत का जो अपने संकल्प लिया है, स्वप्न देखा है, वो स्वप्न भी साकार होगा, हमारा जो संकल्प है वो संकल्प भी हमारा धरातल पर उतरेगा। हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति ने अपने कामों से, आत्मबल से और आत्मविश्वास से आज हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। जिस प्रकार से मैंने देखा है यहाँ पर आज अनेक स्टॉल, अनेक प्रदर्शनियां लगी हैं, उन सभी में बहुत अच्छा काम आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। आज हमने जिस प्रकार से यहाँ पर देखा है, एक से एक अच्छे उत्पाद बनाने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं, और मुझे खुशी हुई, उन्होंने कहा कि आप सबने हमको प्रोत्साहन देने का काम किया है, छोटे छोटे उद्यम करने का रास्ता दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही स्वप्न और यही संकल्प है कि मातृशक्ति को आगे लाया जाए। आखिर हमारी जो न्यू इंडिया का सपना है, यही तो है जहां पर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें
सशक्त हो, सबल हो, आत्मनिर्भर हो और देश के विकास में उनकी बराबर की भागीदारी हो, बराबर की हिस्सेदारी हो। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर राजनीति के एजेंडे की धुरी को बदलने का किसी ने काम किया है, किसी ने इसमें परिवर्तन लाने का काम किया है, तो वो हमारे देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने माताओं बहनों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम देश में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नए भारत का और बुलंद भारत की आने वाले भविष्य की तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। नए भारत की तस्वीर में हमारे देश के अंदर महिला पीछे नहीं, बल्कि अब महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अब पीछे न रहकर बल्कि देश का नेतृत्व करने के लिए हर क्षेत्र में आज नेतृत्व देने के लिए सबसे आगे खड़ी है हमारी माताएं बहनें। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं उन नीतियों में हमेशा जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, दीदी भूली हैं, ईजा बहनी हैं, उन सबको आगे लाने के लिए उन्होंने जो काम किया है आजाद भारत के इतिहास में वो पहली बार हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी, जो स्वामी विवेकानंद जी की धरती है, यहाँ पर मायावती में आकर स्वामी जी ने कई दिनों तक यहाँ प्रवास किया था, अपने जीवन की साधना की थी। मैं कह सकता हूँ स्वामी जी कहा करते थे, जब आत्मा में किसी प्रकार का कोई लिंग भेद नहीं है, आत्मा मनुष्य की हो, पुरुष की हो, स्त्री की हो, सबकी समान है, तो महिला और पुरुष में लिंग भेद करना किसी भी रूप में ये न्याय संगत नहीं है। यह न्याय का काम नहीं है कि जिसमें हम महिलाओं को कहीं पीछे रखें। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने भी आज आधी आबादी जो देश की है, उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली जो हमारी मातृशक्ति है, उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए और समान बनाने के लिए, सबको समान अधिकार देने के लिए हम प्रदेश के अंदर समान नागरिकता का विधेयक लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कानून प्रदेश की जनता को समान अधिकार देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और यह आधी आबादी जानते ना कौन है? आधी आबादी आप लोग हैं। आधी आबादी का हम पूरा कानून लेकर आए हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धार्मिक और लैंगिक भेदभाव को खत्म कर आदर्श समाज का निर्माण करना है। यह विधेयक किसी पंथ धर्म के खिलाफ नहीं है। यह बिल अगर खिलाफ है तो जो धर्म की आड़ में चलने वाली कुप्रथाओं के खिलाफ है, भेदभाव और असमानता के खिलाफ है, महिलाओं के मारे जा रहे हक के खिलाफ है समान नागरिक संहिता का कानून। धर्म के चंद ठेकेदारों ने अपने विकृत और पुरुषवादी सोच के जरिए सालों साल जो हमारी महिलाओं के साथ अन्याय किया है, ये कानून उनके खिलाफ है। माताओं बहनों, आज हमारे देश की महिलाएं खेत में अनाज उगाने से लेकर अंतरिक्ष तक, आपने देखा होगा अभी जब चंद्रयान हमारा चंद्रमा में पहुंचा था, उसको पहुंचाने में भी बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़े हमारे वैज्ञानिक, मातृशक्ति महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप खेल का मैदान हो या सेना की कमान संभाल लो, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की जो सरकार है वो एक समरस समाज बना रही है, जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार देने का काम हो रहा है। देश में 3 तलाक जैसी कुप्रथा का खात्मा हुआ है। अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम, हमारे अजय कंटा जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने भी वहां वोटिंग करी, सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पास हुआ और महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा में सुनिश्चित कर दी गई है। शौचालयों का निर्माण हो,
उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस के सिलेंडर का आवंटन हो, आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास में महिलाओं को आवास देना हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए अनेकों कार्य ऐसे किए हैं। हमने भी प्रदेश में उनकी प्रेरणा से राज्य के अंदर 30% आरक्षण देने का काम हमने हमारी विधानसभा के अंदर विधेयक के रूप में पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। और वर्ष में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां गरीब परिवारों का वहां की हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए हमने वर्ष के अंदर 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क देने का काम भी हमने प्रारंभ किया है। 1,82,000 परिवारों को निःशुल्क रूप से सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मातृत्व तो अवकाश में वृद्धि करना हो, महिलाओं के लिए बहुत सारे नए काम हमने प्रारंभ किए हैं। अब मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी वर्ष 22 जनवरी को पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के उद्घाटन का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना है। हम सब रामलीला मैदान में हैं, भगवान राम का मंदिर बन गया है। आप लोगों ने भी अयोध्या में बने भव्य और दिव्य राम मंदिर में श्री राम लला की सुंदर विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह टेलीविजन पर या आपने इंटरनेट पर या मोबाइल पर देखा होगा। देखा या नहीं देखा? जरा जोर से बोलिए, क्या मोदी जी के बिना ये मंदिर बन सकता था? तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है बताइए? मोदी जी के बिना ये मंदिर बन सकता था क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनके बिना ये अयोध्या में राम मंदिर की कल्पना साकार नहीं हो सकती थी। ना ही कश्मीर से धारा 370 समाप्त की जा सकती थी। माताओं बहनों, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर दिन प्रत्येक देशवासी, विशेष रूप से हमारी महिलाओं के लिए संघर्ष को कम करने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मैं आज लंबे समय तक उत्तराखंड में जिनकी सरकार रही है, उत्तराखंड में भी और देश में भी, विपक्ष के सम्मानित जो हमारे नेतागण हैं, हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए जितने काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किए हैं 10 वर्षों में किए हैं, उतने काम आपके क्या 60 साल के शासनकाल से भी अधिक समय में आपके राज में ये सारे काम क्यों नहीं हुए? ये केवल प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न मेरी माताओं बहनों का भी है कि माताओं बहनों के लिए 60 साल तक जिस पार्टी की सरकार रही उस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। इसका एक ही जवाब हो सकता है कि नियत में कमी थी और केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, देश में अब तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण के लिए काम करने वाली सरकार काम कर रही है। माताओं बहनों ने पिछले दिनों हमने देखा, आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी हल्द्वानी में अराजक तत्वों ने बनभुलपुरा क्षेत्र में महिला पुलिस के जवानों के साथ भी, पत्रकारों के साथ भी, पत्रकारों के ऊपर जो वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने गए हुए थे, पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए, उनको डंडों से मारा गया, उनको पत्थरों से मारा गया, आग में उनको फेंकने तक का प्रयास किया गया।